हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर से कौन सा टॉपिक हट गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो साइक्लोटोन है वो नहीं पढ़ना है आप लोगों को इस बार सिलेबस में। ठीक है, और चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, ये चार चैप्टर जो है वो 17 मार्क्स कैरी करेगा। 4, 5, 6 एंड 7, ये चार चैप्टर जो है वो 17 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या बताया मैंने इस चैप्टर में, साइक्लोटोन हट गया है, मतलब इस बार आपको ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसके ठीक बाद है हम लोग सर। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है, वो लिख देता हूं मैं, चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, वो कौन कौन सा इफेक्ट हमें देता है। हमारा जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कौन कौन सा इफेक्ट हमें प्रोवाइड करता है। सर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक करते हैं। सर हीटिंग भी करता है और केमिकल भी करता है। वेरी गुड। तो तीन तरीके का इफेक्ट हमें प्रोवाइड करता है। पहला जो है आपका क्या है बताइए, हीटिंग हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, सेकेंड मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, और उसके बाद एक और केमिकल। केमिकल। केमिकल जो है वो आपको कहाँ पे पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, फिजिक्स में इसकी बातें नहीं होंगी, हालांकि बैटरी वगैरह में यही केमिकल इफेक्ट ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट आप लोगों को करेंट चैप्टर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्यों हीटिंग इफेक्ट होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या हम इसका यूज कर सकते हैं इस हीट का, है ना, जैसे गीजर वगैरह में, इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह में हम इसका यूज करते हैं हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, बट हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा दैट इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट से। ठीक है, तो क्लास 10th में आप लोगों ने काफी चीजें पढ़ी थी, लाइक मैग्नेट के बारे में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बारे में पढ़ा था, है ना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, और स्टेट एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था। बट आपका जो क्लास 12th में जो स्टार्ट आपका सिलेबस होता है दैट इज फ्रॉम द ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि लाइक आप लोग का ये जो बेसिक है, लाइक मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, आयरन फिलिंग टेस्ट, ये सब क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ू। अगर नहीं क्लियर है तो आप लोग ये बता दो, यस फटाफट सर, मैं ये तो क्लियर है, रिकॉल करा दूंगा। क्लियर है, ये तो क्लियर है सर। चलिए ठीक है। तो यस फटाक से सर। हम, हाँ फटाक से हम आ जाते हैं ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में, जो आप लोग का क्लास किसमें 12th में है। एम आई राइट? यस सर। चलिए, तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट या ओरस्टेड ने क्या बोला था, एनीबॉडी हैव द आइडिया? सर एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है, मतलब कंपास लाया था पास में तो डिफ्लेक्ट हुआ था वो। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई, एनीबॉडी और कोई है जो बताना चाहेगा और स्टेट के एक्सपेरिमेंट को लेकर के? ठीक है, अभी इसने क्या बोला, क्या नाम है आपका, आदित्य। आदित्य ने बोला कि सर अगर मान लो ये वायर है, ठीक है, इस वायर पे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर सर मान लो मैं यहाँ पे लाता हूं मैग्नेटिक कंपास, क्या लाता हूं, मैग्नेटिक कंपास, है ना, तो मैग्नेटिक कंपास लाता हूं ना सर, तो ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, मैग्नेटिक कंपास, ये क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। डिफ्लेक्ट
अब ये कैसे करेगा, नॉर्थ की तरफ करेगा, साउथ की तरफ करेगा, इसको स्नो रूल से जानते हैं। क्या जानते हैं? स्नो जो क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, ठीक है, मतलब साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन रहेगा, ठीक है, ओवर द वायर, देन वो वेस्ट डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे बोला जाता है, स्नो रूल। आया समझ में? जी सर। यस सर। अगर इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, किस तरह का चेंजेस? अगर मैं नॉर्थ टू साउथ कर दूं तो ये फिर ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। आया समझ में? ठीक है। तो ठीक है सर। हाँ, तो ओरेस्टेड ने बोला, ओरेस्टेड ने बोला, देखो ये सारी चीज आपके क्लास 12th में नहीं आएगी, इसलिए मैंने बस हल्का सा हिंट दे दिया, ये क्लास 10th के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस आप लोगों को बता दिया कि जो नीडल है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, ईस्ट की तरफ कब डिफ्लेक्ट करेगी, जब नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ रहेगा या नॉर्थ टू साउथ रहेगा। आया समझ में? क्लियर है? यस यस। बाकी अगर आपको और ज्यादा डीपली देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाइएगा, ठीक है, उसमें मैंने काफी बेसिक से ये सारी चीजें बता रखा है, स्नो रूल क्या है, आयरिंग फिलिंग टेस्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज क्या है, सारी चीजें डिटेल में बता रखी है। अगर किसी को पढ़ना है या जानना है बेसिक्स, तो वहां से जाकर के देख सकता है। क्लियर है? तो ओरेस्टेड ने बताया कि भाई एक बात बता कि जैसे मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड जो सॉरी करंट का जो मैंने डायरेक्शन ऐसे दिया तो कंपास ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं इसको उल्टा कर दूं, तो उसने उल्टा करने के बाद क्या देखा कि मैग्नेटिक ये जो कंपास है वो भी उसके अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, लेकिन 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 ये जो करंट कैरिंग वायर, जैसे ये जो वायर हम लोग ले रहे हैं और करंट यहाँ पे फ्लो करवा रहे हैं, तो वो हमको लेना है किस तरह का वायर? ओपन वायर। क्या लेना है? ओपन। आया समझ में? किसी भी तरह का इंसुलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंसुलेटेड वायर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यस। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो फिर ओरेस्टेड ने क्या बोला था, चलो वो फटाफट देख लेते हैं, एक सर्किट थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग को भी लगे कि हाँ कुछ ओरेस्टेड के बारे में जाने हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से करते हैं उसको। देखिए ओरेस्टेड इफेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ओरेस्टेड इफेक्ट, ठीक है। तो ओरेस्टेड इफेक्ट क्या बोलता है? व्हेन अ करंट पासेस थ्रू ओपन वायर्स देन इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मतलब जैसे मैग्नेट को लेकर के जाता है ना किसी आयरन टाइप मटेरियल के पास, तो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो वैसे ही ओपन वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आया समझ में? तो उसने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। क्या एक्सपेरिमेंट करके देखा? सिंपल सा सर्किट ले लिया, यहाँ पे स्विच ले लिया, ठीक है, ऐसा एक सिंपल सर्किट बना लिया, ठीक है। करंट आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, करंट किधर फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है करंट, पता है ना? यस सर, पता है। उसके बाद हम लोग क्या उसने देखा, ओरेस्टेड ने क्या करा कि एक है ना आयरन टाइप का मटेरियल, मतलब आयरन टाइप का मटेरियल क्या करा उसने कि एक आयरन नीडल ले आया, कंपास भी बोल सकते हो, कंपास यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ करने में मुझे वो लगेगा, तो इसलिए मैंने आयरन नीडल ले लिया, ठीक है। तो जैसे ही उसने आयरन नीडल को रखा इस ओपन वायर में, ठीक है, तो उसने देखा कि भैया इसमें ना कुछ वाइब्रेशन टाइप का होने लगा, गिट 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 ऐसे करके, गिन 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 ऐसे करके ऑन होने, मतलब कि वाइब्रेशन होने लगा जब इन्होंने स्विच ऑन करा। क्या करा? ऑन करा। तो और जैसे ही उसने ऑफ करा तो कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा था उनको, तो यहां से उनको पता चल गया कि भाई
अगर ओपन वायर में हम करंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. क्लियर है? यस सर. चलिए, जब क्लियर है तो एक और बेसिक सा चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ. क्या बताना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस क्या है. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड? सर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब रेस्ट चार्ज पे भी मतलब नोटिसेबल होते हैं, लेकिन रेस्ट चार्ज और मूविंग चार्ज दोनों पर नोटिसेबल होते हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मूविंग चार्जेस पे होती है. वेरी कोई मूविंग चार्ज लेंगे तभी वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड आदित्य. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेस्ट वाले चार्ज पे भी लगती है और मूविंग वाले चार्ज पे भी लगती है, ठीक है. बट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूविंग वाले चार्ज पे ही लगती है. आया समझ में? मतलब रेस्ट अगर चार्ज रहेगा तो वहां पे कोई फोर्स देखने को नहीं मिलेगा. मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो ये वायर है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये एक चार्ज मैंने यहाँ पे लेके गया मैं, और जो कि रेस्ट पे है. किस पे है? रेस्ट पे. तो कोई फोर्स उस पे एक्ट नहीं करेगा. तो यहां लिख देना डायरेक्टली, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट. क्लियर है? यस सर. चलिए, इसके बाद आगे बढ़े हम लोग. यस सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद ओरेस्टेड ने ये तो बता दिया कि भाई एक वायर के अराउंड, एक वायर में अगर मैं करंट फ्लो कराता हूं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. बट ओरेस्टेड ने ये नहीं बता पाया कि भैया कितना अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. बात समझ रहे हो मेरी? Yes, sir. वो इसका आंसर नहीं दे पाया, और स्टेट इसका एक्सपर्ट आंसर नहीं दे पाया. तो इसका आंसर देगा बायोट सफर्ट लॉ. कौन दे रहा है? बायोट सफर्ट लॉ. बायोट सफर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, अच्छे से ध्यान से देखिए. बायोट सफर्ट लॉ किसका आंसर दिया कि हम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट के पे. तो बायोट सफर्ट लॉ ने क्या करा, एक इनफिनाइट वायर ले लिया, ठीक है, एक इनफिनाइट वायर ले लिया. अब इस पे करंट फ्लो कर रहा है. तो बायोट सफर्ट लॉ ने बोला कि भैया अब इस पूरे वायर का है ना, हम ये नहीं बता सकते कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट पी के लिए. तो फिर बोला भैया फिर तुम कैसे करोगे? तो उसने बोला कि एक छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, और यहां से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेने के बाद, सॉरी, ये ले लिया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और यहां से इस पॉइंट को जोड़ दिया आर डिस्टेंस पर, है ना? यस सर. और एंगल बन गया थीटा. ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? करंट आई फ्लो. चलिए, इसके बाद उन्होंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट एट पॉइंट पी, ठीक है. क्या होता है डीवी? देखो डीवी क्यों लिख रहा हूं मैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया, मतलब स्मॉल एरिया लिया, तो उसके लिए उसी का मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, तो डी लगा दिया. आया समझ में? यस सर. इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन पाई, 4πr². ये क्या होता है, ये इक्वेशन होता है किसका? इक्वेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करेंट एट पॉइंट पी. आया समझ में? यस. स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट पी.
लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई अगर मान लो इसको थोड़ा सा आगे मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, कैसे सॉल्व करूंगा मैं बताओ, कि सर इस क्रॉस को हटाइए तो साइन लग जाएगा, क्रॉस को हटाएंगे साइन लग जाएगा, और ये आर कैप के लिए क्या आएगा, इस आर कैप के लिए क्या आ जाएगा, आर कैप मेरा यहाँ पे क्या है, अपना आर कैप क्या है जी, यहाँ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, तो आर कैप मेरा यूनिट वेक्टर है। एक सेकंड रुक जाइएगा, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लूँ। हाँ, आर कैप मेरा यूनिट वेक्टर होता है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो इस मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिर्फ सिंपल आर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्रॉस हटता है नो तो सर, साइन थीटा लग जाता है, तो डी बी इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, म्यू नॉट आई डी एल है ना, आर वेक्टर अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत। नो सर, अब क्या होगा इस आर से, एक सेकंड रुक जाना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा क्यों लगा? साइन थीटा क्रॉस हटता है ना तो साइन थीटा आता है, अच्छा अच्छा डॉट जी रहता है तो सर, कॉस थीटा आता है, ठीक है। जी सर, ओके, अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल आदित्य, मैं इसका अगर मैग्नीट्यूड लो तो वेक्टर साइन हट जाएगा सबका, यस सर, तो वेक्टर साइन हट जाएगा तो ये आर में से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ सर, तो फाइनल मेरा आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई डी, सॉरी ये वेक्टर, फिर एक सेकंड जस्ट वेट अ मिनट। तो म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, R2। ठीक है, कोई दिक्कत। ये जो मेरा निकला, नो सर, ये जो मेरा निकला, ये निकला है फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने स्मॉल ये जो एरिया लिया ना, बस इस पार्ट के लिए मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड निकला है, क्लियर है। अगर मुझे पूरे यस वायर सर, का निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा बताओ, अगर कंप्लीट वायर का इंटीग्रेट कर मुझे। देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब क्या करेंगे इसी इक्वेशन को, एक सेकेंड, अब मैं इधर लिख दे रहा हूं, इधर साइड में, ठीक है, इधर स्पेस बना करके यही लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो लिख रहा हूं ड्यू टू कंप्लीट वायर, ड्यू टू कंप्लीट वायर, ड्यू टू कंप्लीट वायर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, डी बी इक्वल्स टू इधर भी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन क्या हो जाएगा, 4 पाई R2। पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब ये इंटीग्रेशन एच डी को खा जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ बी है ना, इंटीग्रेशन यस सर, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, क्लियर है। ये जो निकला है ये यस सर, कंप्लीट वायर के लिए निकला है, ये किसके लिए निकला है, कंप्लीट वायर के लिए। तो अब लिख लो यहाँ पे क्या क्या है आपका, जो आइडियल, ये जो आइडियल है यहाँ पे, आइडियल को क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट, क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट, थीटा हमारा क्या था, ये जो थीटा है ये क्या है, एंगल बिटवीन पॉइंट एंड वायर, एंगल बिटवीन पॉइंट एंड वायर, ठीक है। उसके बाद हमारा म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, म्यू परमेबिलिटी, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, नॉट लगा हुआ ना, क्या बोलोगे, यस सर, परमेबिलिटी परमेबिलिटी ऑफ ऑफ फ्री फ्री स्पेस, स्पेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड में लोग क्या यूज करते थे, परमिटिविटी। परमिटिविटी, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 पर माइनस 7, ठीक है। और यूनिट आप लोग को, ये वर्क है, इसका यूनिट क्या होगा ये हमको
आप लोग कमेंट करके डालोगे, कमेंट में डालोगे इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि अब इसका दो केस आएगा। दो केस क्या आएगा कि अगर मान लो इस पॉइंट पी को मैं उठा करके इसके एक्सिस पे रख देता हूं, इसके एक्सिस पे यहां पे रख दूंगा, जैसे अभी मैं नेक्स्ट यहां पे कुछ ज्यादा ही लिख दिया मैंने, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। ये था, हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया था, है ना, एक एंगल बना था थीटा और ये पॉइंट पी था आर डिस्टेंस में। क्लियर है ये चीजें? इनफिनाइट वायर था, इनफिनाइट वायर था, ठीक है। आई करंट फ्लो कर रहा है, मैं कह रहा हूं इस पॉइंट पी को मैं उठा करके यहां डाल दूं तो क्या होगा सर? मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। वेरी गुड, क्यों जीरो होगी? वो थीटा जीरो हो गया ना। एग्जैक्टली थीटा जीरो हो गया, मतलब अगर पॉइंट पी को मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे? इफ द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर थीटा विल बी जीरो। तो थीटा जीरो होगा तो क्या होगा बताना जरा, थीटा जीरो होगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अभी हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड क्या देखा था, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा जीरो डाल लेंगे तो साइन जीरो क्या हो जाता है? जीरो। क्लियर है? अगर मान लो मैंने बोला इस P पॉइंट P को मैं परपेंडिकुलर रख दू तो क्या होगा? मैक्सिमम मिलेगी। मैक्सिमम। वेरी गुड। अब जैसे मैंने ऐसे रख दिया पॉइंट P को परपेंडिकुलर, है ना, डेट इज 90 डिग्री, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो साइन 90 क्या हो जाएगा? 1। तो साइन 91 हो जाएगा तो हमें मैक्सिमम मिलेगा यहाँ पे। तो डीबी को से क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई डी एल अपॉन फोर पाई आर। कोई दिक्कत नहीं आता? नो सर। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कैसे लेंगे? एनीबॉडी हैव द आइडिया दैट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे लेंगे? स्क्रू रूल लगाते हैं। स्क्रू रूल तो सर्कुलर के लिए लगाएंगे। स्क्रू रूल जो है ना, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं ना। देखिए स्क्रू रूल यहाँ पे लगेगा। देखिए अगर मान लो सर्कुलर वे में हमारा करंट फ्लो कर रहा, मूव कर रहा है, समझो स्क्रू रूल से देखते हम लोग। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज घूमता है तो हमारा क्या होता है, ढक्कन, बोतल का ढक्कन अगर क्लॉकवाइज घुमाओ तो कैसा होता है, अंदर जाता है बाहर आता है? अंदर जाता है। अंदर जाता है सर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो जाएगा, है ना? हाँ जी। यस सर। और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्या हो जाएगा? आउटवर्ड। बाहर आएगा। ठीक है, अपोजिट इन डायरेक्शन। ये मैंने अपने वो 10th क्लास के वीडियो में बता रखा है, वहां से आप जो देख लीजिएगा। ये नहीं करना है, हम लोग सीखना है राइट हैंड थंब रूल। क्या सीखना है हम लोगों? राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से हम लोग क्या चेक करेंगे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? यस सर। जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक केस में आपको दे दिया राइट हैंड थंब रूल। ये सारी चीजें है ना क्लास बताया जाता है 10th में आराम से, है ना। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो करंट जैसे फ्लो कर रहा है अपने थंब को उधर रख दो। क्या करो? थंब को उस डायरेक्शन में रख दो और फिर जो आपका चार फिंगर बच रहा है उसको रोटेट करो, उसको क्या करो, उसको घुमाओ। थंब को अपने राइट हैंड को लो, थंब को इस डायरेक्शन में रखो,
इस डायरेक्शन में रखने के बाद अपने चारों फिंगर को घुमाओ, तो देखो तो वो चारों फिंगर तुम्हारे तरफ आ रहा है। जी सर। जब तुम्हारे तरफ वो चारों फिंगर आने लगेगा, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है यहाँ पे थंब रखोगी, इस डायरेक्शन में थंब रखो, जब थंब रखोगी तो चारों फिंगर देखना तुम्हारे पास आने लगेगा। तो तुम्हारे पास जब आ रहा है तो आउटसाइड हो रहा है वो, तो आउटसाइड यहाँ पे लिख देंगे। और फिर देखना जब और ज्यादा घुमाओगे तो नीचे इनसाइड हो जाएगा। क्लियर है आदित्य? यस सर। तो इनसाइड के लिए होता है क्रॉस, आउटसाइड के लिए होता है डॉट। कोई दिक्कत? नो सर। ये फर्स्ट केस था। अगर सेकेंड केस में अगर हम देखें, अगर करंट का डायरेक्शन मैंने ऐसे कर दिया, तो थंब को रखो इस डायरेक्शन में, जिधर करंट का डायरेक्शन है थंब को रखो, और फिर उसको रोटेट करो अपने चारों फिंगर को, जो चार फिंगर बच गया। तो जैसे तुम रोटेट करोगे तो देखना ये वाला पार्ट तुम्हारा इनसाइड दिखने लगेगा, और ये वाला पार्ट आउटसाइड दिखने लगेगा। अभिरूप एक बार तुम्हारा कैमरा ऑन है, तुम करके दिखाना कैसे तुम कर रहे हो, इनसाइड आउटसाइड। अभिरूप तुम्हारा कैमरा ऑन है, तुम करके दिखाओ कैसे इनसाइड आउटसाइड करोगे। कैसे करोगे अभिरूप? इस डायरेक्शन। हाँ, थंब को रखो ना, थंब को करंट की डायरेक्शन में, थंब को, हाँ थंब को करंट करंट की डायरेक्शन में रखो, और चारों फिंगर को, चारों को, दो नहीं चारों फिंगर को। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। रोटेट करो, रोटेट करो। हाँ वेरी गुड। हाँ आगे समझ में? यस सर। ठीक है वेरी गुड। तो सबको समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट है, पूछिए किसी को। नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करेंगे वो करेंगे, स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग रिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फिर एम्पियर सर्कुलर लॉ आ जाएगा, फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड और इनफिनाइट लेंथ ऑफ वायर आ जाएगा। काफी चीजें आएंगी इसमें पढ़ने को, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि दो दो लेक्चर और लगेंगे, दो लंबे लंबे लेक्चर में ले लूंगा तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो आई थिंक कल की क्लासेस होंगी, और मैं अभी बताता हूँ, अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मुझे बताना। जितना मैंने एफर्ट डाला तो मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए आप लोगों को, और अगर इन केस नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके या पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर।